तो यार YouTube की तरफ से आ चुकी हैं पांच धमाकेदार और मजेदार अपडेट्स जो कि आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो नंबर वन पे अपडेट है YouTube शॉर्ट्स के रिलेवेंट। अब शॉर्ट्स का जो फीचर जब नया नया आया था तो सबसे पहले उसको इंडिया में लॉन्च किया गया था, उसके बाद उसको USA में लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी YouTube ने इसको ग्लोबली सभी कंट्रीज के लिए लॉन्च कर दिया ऑफिशियली। अब ये फीचर सभी कंट्रीज को अवेलेबल है, इसके जितने भी टूल्स हैं इसके अंदर, इसका कैमरा, इसकी लाइब्रेरी, ऑडियो म्यूजिक की सभी कुछ अवेलेबल है हब हर कंट्री के लिए। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी शॉर्ट, उसके अंदर मैंने आपको लाइव भी दिखाया था मेरे दो चैनल्स के ऊपर, जो मेरे दोस्तों के चैनल थे उसके ऊपर इनको शॉर्ट्स का फीचर मिल चुका था और अभी ये सभी कंट्रीज में अवेलेबल हो जाएगा शॉर्ट्स का फीचर। तो चलते हैं सेकंड अपडेट की तरफ। अब पहले जब हमें अपनी वीडियोस के अंदर चैप्टर लगाने होते थे तो हमें खुद मैन्युअली लगाने पड़ते थे, लेकिन अभी YouTube ने अपडेट किया है कि अगर आपकी वॉइस क्लियर और क्लीन होगी कि YouTube का एल्गोरिथम उसको अंडरस्टैंड कर ले तो आपकी वीडियो के अंदर YouTube का एल्गोरिथम खुद खुद ही चैप्टर्स को ऐड कर देगा, आपको खुद मैनुअली नहीं लगाने पड़ेंगे बल्कि ऑटोमेटिकली YouTube के एल्गोरिथम की तरफ से, YouTube की टीम की तरफ से आपकी वीडियोस के अंदर चैप्टर्स लग जाएंगे। तो यार ये अपडेट काफी अच्छी लगी है मुझे। तो बात करते हैं तीसरी अपडेट की। अब तीसरी अपडेट उनके लिए बढ़िया है जो YouTube के ऊपर डार्क थीम को अनेबल करके वीडियोस को देखते थे। अब ये क्या होता है, पहले जो होता था YouTube का जो डार्क थीम था वो जस्ट मोबाइल यूजर के लिए था, डेस्कटॉप के लिए नहीं था, लेकिन अभी YouTube ने अपडेट करते हुए ये जो डार्क थीम का फीचर है ये डेस्कटॉप के लिए भी लॉन्च कर दिया है। अब आप डेस्कटॉप के ऊपर भी डार्क थीम को अनेबल करके उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। अब आप अपने मोबाइल के ऊपर ही किसी को भी अपने चैनल का एडिटर या मैनेजर बना सकते हो। पहले क्या होता था, जब भी हमें किसी को एडिटर या मैनेजर बनाना होता था तो हमें डेस्कटॉप के ऊपर ही बना सकते थे, उसके अलावा आप मोबाइल में हम किसी को भी अपने चैनल के रिलेटेड किसी को परमिशन नहीं दे सकते थे। लेकिन अभी YouTube ने अपडेट किया है कि अब आप YouTube के ऊपर रहते हुए, अपने मोबाइल के ऊपर रहते हुए किसी को भी अपने चैनल की परमिशन दे सकते हो। तो काफ़ी अच्छी अपडेट है ये वाली भी। तो यार जो शॉर्ट्स वाली अपडेट है जो कि ग्लोबली सभी कंट्रीज में लॉन्च कर दी गई है वो मुझे काफ़ी अच्छी अपडेट लगी है। आपको कौन सी अपडेट अच्छी लगी है मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just